नमस्कार दोस्तों, मैं मधुस्मिता आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में जिसका नाम है मेरी लाइफ मेरी वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक सैंडविच की रेसिपी, वो है वेज सैंडविच, वेजिटेबल्स विथ पनीर की सैंडविच। चलिए सीख लेते हैं कैसे बनता है ये इजी पीजी वेज सैंडविच। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है गाजर, यहाँ पर मैंने एक बड़ा गाजर इसे चॉप करके ले लिया है, एक प्याज जो मैंने इसे चॉप करके ले लिया है, यहाँ पर एक कैप्सिकम को इसे चॉप करके ले लिया है और थोड़े से पनीर को मैंने इसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट के ले लिया है। चलिए अभी शुरू करते हैं। कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे, 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल यहाँ पर गर्म हो गया है, अभी हम प्याज कैप्सिकम और गाजर इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। इसमें अभी हम सॉल्ट और पेपर ऐड कर देंगे, नमक स्वाद अनुसार, पेपर पाउडर। इसको अच्छे से मिलाकर थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि सब्जियां नरम हो जाए। देखिए वेजिटेबल्स हमारे नरम हो गए हैं, ज़्यादा इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेजिटेबल्स का क्रंच रहना चाहिए तभी सैंडविच अच्छा लगता है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटो केचप 1 चम्मच, आपको अगर ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल दीजिए, सोया सॉस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ग्रीन चिली सॉस 1 चम्मच के करीब। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें अभी पनीर ऐड करेंगे। यह हमारा फिलिंग एकदम रेडी हो गया है सैंडविच में जाने के लिए। चलिए अभी सैंडविच तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पर ब्रेड ले लिया है, आप चाहें तो वाइट ब्रेड ले सकते हैं या तो फिर ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। मैं आज आपको 2 तरीके से बनाना सिखाऊंगी, एक तवे पर बनाना सिखाऊंगी और एक सैंडविच मेकर में। चलिए अभी सैंडविच को लोड करते हैं अपने फिलिंग से। थोड़ा सा मेयो लगा लेंगे, आपको अगर पसंद हो तो लगाइए, नहीं तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। जहाँ पर आप केचप या कोई चटनी भी लगा सकते हैं, नहीं तो वैसे भी बना सकते हैं। अभी इसमें हम अपना वेजिटेबल का मिक्सचर डाल देंगे। एक सैंडविच मैं ऐसे ही रहने दूंगी, अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो इसे बिना चीज़ के बनाइए, और एक सैंडविच में मैं चीज़ भरूंगी, अगर बच्चों के लिए हो तो आप चीज़ डाल दीजिए, उनको अच्छा लगेगा। इसमें हम चीज़ डालेंगे, ग्रेटेड चीज़, कवर कर लेंगे दूसरे तरफ से। मैं आज आपको 2 तरीके से सैंडविच बनाना सिखाऊंगी, एक तवे पे बनाएंगे और एक सैंडविच मेकर में। तो पहले तवे में दिखा देती हूँ। थोड़ा सा तेल ले लीजिए, तेल या बटर जो आपको पसंद हो आप ले ली, अपना सैंडविच यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। लो फ्लेम पर एक तरफ से सेक लें, फिर उसके बाद उसको पलट कर दूसरी तरफ से हम सेक लेंगे। यहाँ पर मैंने अपना सैंडविच मेकर को गर्म कर लिया है, अब इसमें एक सैंडविच इसमें बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, अपना सैंडविच पर डाल देंगे। इसमें भी आप बटर भी यूज कर सकते हैं, ऑयल यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर भी डाल देंगे, थोड़ा सा जस्ट। चलिए अब इसको हम पलट लेते हैं। देखिए कितना अच्छा बन गया ना, अब दूसरी तरफ से भी ऐसे ही हमको क्रिस्प करना है। और सैंडविच मेकर में तो कुछ ज़रूरत है नहीं कि वो अपने आप ही हो जाएगा दोनों तरफ से। देख लेते हैं दूसरी तरफ, देखिए एकदम अच्छा आ गया ना कलर और क्रिस्प। चलिए इसे निकाल लेते हैं, भी हमारा सैंडविच मेकर में भी देख लेते हैं। देखिए ये भी अच्छा बन गया है, अब इसको भी निकाल लेते हैं। अब हम इसको काट लेते हैं, देखिए कितना अच्छा सैंडविच बन गया ना, कितनी जल्दी। ये सैंडविच इतनी जल्दी बनता है कि आप अपने बच्चों को आराम से टिफिन में दे सकते हैं, अगर कहीं घूमने जा रहे हो तो अपने टिफिन पैक करके भी ले सकते हैं। अब इसको भी काट लेते हैं, अपना जो सैंडविच मेकर वाला सैंडविच है, देखिए कितना अच्छा बन गया है। चलिए अभी इसकी प्लेटिंग करते हैं। देखिए हमारा सैंडविच एकदम रेडी हो गया, कितनी जल्दी और कितना झटपट रेसिपी था ना। ऐसे ही आप बनाइए अपने ब्रेकफास्ट में या टिफिन में, कभी भी इसे बनाकर आप खा सकते हैं, बहुत हेल्दी भी होती है। मैंने आपको 2 तरीके से बनाना सिखाया, तवा में भी बना सकते हैं, अपने सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं। कैसा लगा रेसिपी मुझे ज़रूर से कॉमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको कैसे बताऊंगी नई नई चीज़ें ऐसी। तो
आज मुझे विदा दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।